यार हम 3 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं यार विद इन लाइक अ कपल ऑफ डेज. हम सिर्फ 9,000 सब्सक्राइबर्स दूर हैं 3 लाख से. आज से 1 साल पहले हम 1,000 सेलिब्रेट कर रहे थे, 1,000 सब्सक्राइबर्स सेलिब्रेट कर रहे थे. तो मतलब आई एम वेरी थैंकफुल. आप अपने व्हाट्सएप खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, स्नैपचैट खोलो, टिंडर खोलो, जो भी आपकी ऐप्स हैं, जितनी भी फेवरेट ऐप्स हैं, वहाँ पर सब ऐप्स पर जाके अपना चैनल को शेयर करते जाओ. मुझे उम्मीद है कि आपके जो जान पहचान वाले उनको उन सबको भी चैनल अच्छा लगेगा. तो इस तरीके से हम फिर 3 लाख फटाफट से हो जाएंगे. मुझे एक चीज़ और पूछनी है कि आपकी इस चैनल पर सबसे फेवरेट वीडियो कौन सी है, मतलब आपकी एकदम मनपसंद वीडियो जो है वो कौन सी है. वो एक से ज़्यादा भी हो सकती है, अगर एक से ज़्यादा है तो प्लीज़ पूरी लिस्ट बना दो. मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ जिसमें मुझे ये जवाब जो आपका है वो बहुत हेल्प करेगा. एंड अगर आपने मेरे साथ कनेक्ट करना है तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मेरे साथ कनेक्ट कर लो. मेरी इंस्टाग्राम आईडी है द रियल हैरी उपल. टुडेज वीडियो इज अबाउट दिस यंग लेडी हु इज अ कम्युनिकेशंस कोच एंड अ होम शेफ. शी इज डूइंग रियली वेल. आपको इनका जो मैसेज है, जो संदेश है, प्लस जो इनकी रेसिपीज हैं, दोनों ही बहुत पसंद आने वाली हैं. सबसे पहले मैगी बनाई थी. बहुत छोटी थी, शायद क्लास 2nd या 3rd में रही होंगे, तब बनाई थी. मम्मा की तबीयत नहीं ठीक थी तो उन्होंने दूर से बैठ के बताया था कि अभी पैकेट खोलना है, गैस चलानी है, पैकेट खोलना है, पानी डालना है, बन जाएगी, बस तब बनाई थी. बहुत साल हो गए. जल गई थी उस दिन मैगी. उस दिन ये पर्टिकुलर दिन सिर्फ इसलिए याद है बिकॉज मैगी जल गई थी एकदम. दिख रहा था नीचे से कि बर्तन काला है, मम्मी ने फिर भी खा ली. रेगुलर मैदा है, ठीक है जी. इसको मैंने 4 बार छाना है. 4 बार छाना है जी, जस्ट टू मेक श्योर के आपके लिए बिल्कुल ये सही रहे. क्या बात है यार, क्या वीडियो में कुछ भी गड़बड़ नहीं. मेरा तो 2 बार में ही हो जाता है वैसे. बेकिंग पाउडर, ओके, 1 टेबलस्पून, ओके, वी आर गोइंग टू पुट 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर. जितना बेकिंग पाउडर डाला है ऑलमोस्ट उतना ही बेकिंग पाउडर. बेकिंग सोडा, हां बेकिंग सोडा, बूरा खंड. बूरा खंड मतलब ये है अपनी पाउडर्ड शुगर. सब मिक्स करके अच्छे से इसको साइड पे रख देंगे, ठीक है. मेरे मामा काम करते थे, अभी जनवरी में रिसेंटली रिटायर हुए हैं. तो मैं और मेरे सारे भाई बहन, हम 3 भाई बहन हैं, हम सब क्रश में ही पले बढ़े हैं. मम्मा चले जाते थे, हमें वहाँ पे ड्रॉप कर देते सुबह. हम शायद 1-1 या 2-2 महीने के रहे होंगे, तब से हम वहीं पे ही रहते थे. तो सुबह छोड़ जाते थे और शाम को 6-7 बजे लेने वापस आ जाते थे. तो जब मैं क्रश में थी तो मेरी क्रश वाली आंटी मुझसे बहुत दुखी रहती थी. शी यूज़ टू हेट मी, मुझसे बहुत परेशान रहता था. छोटे छोटे बच्चे होते थे एंड उनके मम्मा ने उनके लिए सर अलग पैक करके भेजना. खा मैंने खाना, इतनी समझ नहीं थी तब कि किसी और की चीज़ें नहीं खानी या बच्चों की चीज़ें हो नहीं खानी, ऐसा समझ नहीं थी. तो आंटी ने दुखी होकर मुझे वहाँ से निकाल देना क्रश में से. हमारे ऑफिस में दे यूज़ टू बी एक ओवन होता था जिसमें हम लोग सब लोग अपने टिफिन रख देते थे. इट्स अ वेरी फनी स्टोरी एक्चुअली. और ये लड्डू लेके आई थी. शी इज़ वेरी पैशनेट एंड वेरी आई डोंट नो, शी इज़ वेरी पैशनेट अबाउट अर फूड. और किसी ने इसके लड्डू ले लिए और इसने जो भसड़ मचाई थी ऑफिस में, आई कांट टेल यू. शी वेंट टू द गाय जिसके पास CCTV की सारी रिकॉर्डिंग्स थी एंड यू आर लाइक कि मुझे बताओ मेरे लड्डू किसने खाए. सो शी डजंट जस्ट लाइक फीडिंग पीपल, शी लाइक्स ईटिंग अलॉट. इस रेसिपी के लिए केला थोड़ा बहुत काला भी चलेगा, ठीक है. मैशर, हम इसको थोड़ा सा मैश कर लेंगे. ब्लेंडर में डालने की जरूरत नहीं है. वेरी ईजी रेसिपी. 1 whole egg. जी ठीक है जी. योक और वाइट दोनों एक साथ डाल दें. जैसे पंजाबी कहते हैं फेंट लेना है ना. हाँ जी, हम इसको हल्के हाथ से फेंट रहे हैं. कोई ज़्यादा बहुत तेज तेज नहीं या ब्लेंडर की जरूरत नहीं है, ठीक है. बनाना के थोड़े थोड़े पीसेस पैनकेक में अच्छे लगते हैं. हाँ जी. 2 चम्मच मक्खन. 2 चम्मच मक्खन जी, ठीक है जी. आपने पहले मक्खन पिघलाया हुआ है जी, ये गर्मी ने पिघला दिया एक्चुअली, है ना जी. 4-5 चम्मच मिल्क, ओके, 4-5 चम्मच दूध जी, ठीक है. हम इसको ज़्यादा भी डाल सकते हैं बट वी आर गोइंग टू वेट ताकि हमारा जो पैनकेक का मिक्सचर वो ज़्यादा पतला ना हो जाए. जैसे हमारा केक का मिक्सचर होता है बेक करने में, पैनकेक का वैसा नहीं होता. हम उसे थोड़ा सा ज़्यादा थिक रखते हैं, ठीक है. इंग्रेडिएंट्स को कर रहे हैं मिक्स. थोड़ा सा दूध और डालते हैं. अच्छा, दूध और चाहिए हल्का सा. हाँ, आपने इसीलिए बचाया था ना जी. देखते जाएंगे If we need it, अगर जरूरत पड़ेगी तो और डालते जाएंगे, ठीक है जी.
कट एंड फोल्ड की टेक्निक यूज कर रही हूँ मैं. वी मिक्स इट एंड देन कट इट अगेन एंड फोल्ड इट. राइट. बटर हमारा आ गया. हमने एक अच्छा खासा स्पून मक्खन का डाल दिया. राइट. और हम यहाँ पे इसमें अब अपना डालेंगे पैनकेक का मिक्सचर. सो ये हमारा मिक्सचर आ गया. क्या बात है, क्या बात. अब इसको यूज करके इसको फैला दो. बिकॉज पतला नहीं है तो ये साइड साइड्स पे नहीं भागता. जी. यू हैव टू गिव इट अ लिटिल शेप. आप इसको थोड़ी सी शेप दे दो और छोड़ दो. बस यही करना. ठीक है, खत्म. अब इसको पकने देना थोड़ी धीमी सी आंच पे. हमें हाई पे नहीं रखना है इसको, अदरवाइज नीचे से जल जाएगा जी. और फिर अच्छे से फूलेगा नहीं, डिसअपॉइंटिंग सा बन जाएगा, वो हम नहीं चाहते हैं. बिल्कुल. अभी मैं देख रहा हूँ जैसे बबल्स भी आ गए और थोड़ा फटना भी शुरू हो गए. ये बिल्कुल सही टाइम है. नीचे से कुक हो गया है पूरा जी. अब हम इसे पलट देंगे. और मक्खन डालने की जरूरत नहीं है. हम इसी को यूज करेंगे, पलट देंगे. फूड इज लव. वो खाना बनाना इज थेरेप्यूटिक टू मी. सब सवाल पूछ रहे होते हैं हर वक्त. किसी ना किसी का कोई सवाल होता है, कोई ना कोई बात होती है, हर किसी को कोई जवाब देना होता है. सुनो, कहो. खाना बनाते वक्त ये नहीं करना होता. तब जो कर रही होती हूँ सिर्फ मैं कर रही होती हूँ, करके ख़त्म कर देती हूँ. कुछ अच्छा बन जाता है, कभी कुछ अच्छा नहीं बनता, वो कोई बात नहीं. मगर वो जो प्रोसेस चल रहा होता है वो दिल के बहुत करीब है. जब मैं अपनी 10x10 की किचन में हूँ, वो 10x10 मेरी है, उसमें कोई नहीं आता. रात के 5 बजे हैं, सुबह के 5 बजे हैं, या रात के 3 बजे हैं, 2 बजे हैं, दोपहर के 2 बजे, डजंट मैटर, उनका फ़र्क नहीं पड़ता. जब अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है, तब भी रसोई. जब दिल दुख रहा है तब भी रसोई. सबसे पहले मैंने अपने भाई को खिलाना होता है. वो खा लेगा हमेशा ही. उसने कभी कुछ नहीं कहना कि ये अच्छा नहीं बना. खुद को मुझे लग रहा होता है कभी कभी, इतने बार इस बार अच्छा नहीं बना, वो हमेशा बोलेगा दीदी ऐसा लग रहा है जैसे बाहर से आया, वेरी फैंसी. और मेरे मम्मा खा के हमेशा सच में दुआएं देते हैं, खुश रहो, खुश रहो. शील से किन्नी की लोड सी इन्ना इन्नी मेहनत करती इन्नी गर्मी दे बिच. बट देन जब वो खाते हैं और वो खुश होते हैं, उनको बैठे बैठे को कुछ अच्छा खाने को मिल जाता है, बच्चों जैसा खुश हो जाते हैं. वो खुशी बहुत इम्पोर्टेंट है. बीन्स की डबल गाजर, गाजर से डबल हमारी गोभी, गोभी उसके ऊपर स्प्रिंग अनियंस आ गया. थोड़े से स्प्रिंग अनियंस डाल दिए जो मैंने सॉस में डालने थे या इसकी ग्रेवी में, तो मैंने थोड़े से फॉर फ्लेवर इसमें डाल दिए. ठीक है, ये निकाल देते हैं. चलिए, लाल मिर्च. ठीक है जी. ये हमारा गरम मसाला. ठीक है जी. मैं सेंधा नमक डाल रही हूँ इसलिए थोड़ा पिंक रहेगा ये. ठीक है, ज्यादा नहीं, बिकॉज हमने ग्रेवी में भी डालना है, सोया सॉस में भी होगा. काली मिर्च, काली मिर्च, काली मिर्च. बिल्कुल ही ऑप्शनल है ये. चाइनीज सॉल्ट, एमएसजी ऑप्शनल. अब इसको हम सबसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं. ठीक है जी. आपस में घुल मिल जाओ, घुल मिल जाओ, दोस्ती कर लो, अच्छे से प्यारे से बच्चे बन जाओ, अच्छी बॉल्स बनेंगे फिर जी. 3 टेबलस्पून मैदा. ठीक है. 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर. ओके. मैदा थोड़ा और बचा के रखा था वो डाल रहे हैं. एक सॉफ्ट डो बन जाएगा जो कि हमें चाहिए बस. तो आपको दिख रहा है हमारा काफी कलरफुल सा आटा बन गया. राइट, लुक्स ब्यूटीफुल एंड कलर भी बहुत अच्छा है. माई मदर लॉस्ट हर ओन मदर व्हेन शी वाज 13 और 14. उसके बाद शी इज़ बीन वर्किंग एवर सिंस शी वाज 18. 1980 से वो जॉब कर रहे हैं, आज 2020 चल रहा है. उन्होंने हमेशा काम ही किया. एज आई सेड, हम 1-2 महीने के होते थे, वो हमें छोड़ के चले जाते थे क्रश में. किसी माँ का दिल तो नहीं करता होगा इतने छोटे बच्चों को छोड़ के जाने का. शी हैज़ ऑलवेज डन हर जॉब एज अ मदर कि मेरे बच्चों को खाना आएगा. उनके लिए नहीं किसी ने किया. बच्चे को उसकी माँ करती है. माई मदर हैज़ नॉट एन्जॉयड दैट प्रिविलेज, दैट लव. सो इट हैज़ लिटरली बीन लाइक दैट. वो रोल्स सच में रिवर्स हो गए हैं. मैं सच में हर किसी को कहती हूँ कि मैंने अपनी माँ को अपनी बेटियों जैसा रखा हुआ. शी जस्ट सिट्स देयर. वो सिर्फ बैठते हैं
उठते हैं, खाना आता है, खाते हैं, मैं प्लेट ले जाती हूँ, वो अच्छी अच्छी बातें कहते हैं मेरे लिए कि खुश रहो एंड बहुत अच्छा खाना बना था। एक छोटी सी टेक्निक है कि आप इसको ज़्यादा दबाइए नहीं, हल्के हाथों से इसको रोल कीजिए और इसको जोड़ लीजिए, एक हल्की चोट जैसी बॉल, आपका एवरेज साइज है, छोटे नींबू के साइज की बन जाता है, ठीक है जी। मेरे मम्मा को ये चीज़ खुद से नहीं मिली, उनको ये चीज़ किसी ने आज तक करके दी नहीं थी। मेरे बड़ी बहन भी हैं, बट देन यू नो हाउ इट वर्क्स, IIT, IIM, जॉब्स, सो वन शी लेफ्ट टाउन शी नेवर रियली केम बैक, आई नेवर लेफ्ट टाउन, आई वॉज ऑलवेज हेयर, सो आई हैव सीन हर ग्रोइंग ओल्ड। मैंने अपने मुझे ये चीज़ खुद में बहुत एक्टिवली फील होती है कि हर इंसान को प्यार मिलना ज़रूरी है और जिसको नहीं मिला उसे दो, बिकॉज एवरीबडी शुड फील कि प्यार कैसा होता है, केयर कैसी होती है, नर्चरिंग क्या होती है। सो मेरे मम्मा को ये नहीं मिला एंड आई वॉन्ट टू बी द पर्सन हु डज दैट। आई डोंट वॉन्ट हर थॉट्स टू बी कि किसी ने नहीं किया, आई वॉन्ट के जब वो सोचें तो वो सोचें कि मैंने किया। सतनाम श्री वाहेगुरु जी। सो देयर पुटिंग इन वन, टेंपरेचर कम कर दिया, सिंपल कर दिया, ठीक है जी, बिकॉज़ इट इज लिटिल हॉट। उंगलियां बचा के, बहुत जल्दी-जल्दी पकने लग गए थे तो हमने फटाफट से निकाल के रख लिए। ऐसा कलर जब हो जाए तो यू शुड नो दैट द मंचूरियन बॉल्स आर रेडी एंड अब जैसे ही मंचूरियन थोनू बना के दिखावांगे जी, पंजाबी स्टाइल, पंजाबी स्टाइल, आओ जी बनाओ। बहुत जल्दी एडवांस स्टेज ते प्रदेश कलर आ गया ना, सॉरी आप बना रहे थे ना, पंजाबी मंचूरियन जिहड़ा कलर आ गया ना जी, आ कलर दी वेट करो जब तक ड्रीमी ड्रीमी जिहा कलर टेक्सचर ना आ जाए उद तक तुसीं पकण दो इहनूं, कोई चक्कर नहीं। सही टाइम पे वी आर ईटिंग आवर लिटल मंचूरियन बॉल्स, पंजाबी मंचूरियन थोड़ा बन के तैयार है, मतलब ऑलमोस्ट लुक एट द ग्लॉस ऑन द बॉल्स, ओही ता गल है, मतलब ओहो आ ता शॉट रह गया, एक मिनट, हैरी सर दे डिमांड ते क्या बात है जी, हैरी सर भी बन गए आपां जी। देखो जी पिछे आ गलती भी होगी थोड़ी जी साइड तो, एक्सीडेंट इन्हें तो वरत लियो, धनिया के बिना हरे कुछ अधूरा होता है, धनिया तो बिना पंजाबी मंचूरियन इनकम्प्लीट है जी। इसको सब पता है, इससे आप कुछ भी पूछो इसको सब कुछ पता है, एंड जब भी मेरे माइंड में कोई कंफ्यूजन होती है शी इज द वन आई गो टू, क्योंकि मुझे पता है कि इस शी नोज अ लॉट, इसको सब कुछ पता है तो शी विल गिव सम वैल्यूएबल इनसाइट टू मी। कमी किसी में नहीं दिखती, अच्छाई सब में दिख जाती है, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होके दिखती है। दुख किसी का नहीं देखा जाता, खुशी किसी की भी ओपनिंग लगती है। ये चीज़ कभी कभी आपको ज़िंदगी में बहुत अच्छे लोगों से मिलवा देती है, कभी कभी ऐसे लोगों से जैसे जो आपके लिए अच्छे नहीं भी होते।